संतोष सुनत कपि बानी भगति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीन राम प्रिय जाना हूँ तात बलशील निदाना अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार गा ऐसे पद सीसा बोला बचन जोरी कर कीसा अब कृत कृत्य भय हूं मैं माता आशीष तो अमोघ विख्याता सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा सुनि सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही देखी बुद्धि बल निपुण कपी कहूँ जानकी जाऊँ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल गाहूँ सियापति रामचंद्र की जय सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी कबहु सुत दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी कबहु सुत दशरथ अजर बिहारी। अर्थात हनुमान जी की भक्ति प्रताप तेज और बल से युक्त वाणी को सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष आ गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बुद्धि और शील के निधान हो जाओ, हे पुत्र तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर राम जी की सदा कृपा करते रहे राम जी सदा कृपा करते रहे। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर यह वचन कहे, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपका आशीर्वाद भी निष्फल नहीं होता, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। मात सीता जी ने कहा, हे पुत्र इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस करते हैं। यह सुन हनुमान जी बोले, हे माता हमें उन राक्षसों का डर नहीं, यदि आप मन में सुख मानो तो मैं जाकर फल खाऊं। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देख जानकी जी ने कहा, हे तात जाओ और श्री राम का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ।